नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सोनपुर मेला 2022 में। मेला सिर्फ घूमने और मौज मस्ती करने के लिए नहीं होता है। अगर आप यहाँ पर आए तो बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने साथ बहुत कुछ आइडियाज़ ले जा सकते हैं। और यहाँ पर ऐसे ही एक हमारे साथ उद्यमी कहे सोनपुर सारण के है, जो बहुत अच्छा स्कीम लाए हैं और कैसे आप उनसे लाभान्वित हो सकते हैं और साथ ही साथ उनसे आप कैसे प्रेरणा लेकर स्वरोजगार के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकते हैं, यह आपको देखना पड़ेगा। अभी हम कृषि मंत्रालय की तरफ है। मैं बता दूँ, सोनपुर मेला का उद्घाटन 6 नवंबर को हो चुका है, 7 दिसंबर तक चलेगा। तो आप कहाँ अटके हुए, आइए, यहाँ पर थिएटर के बगल में है, रात को देख लीजिएगा लेकिन दिन को कुछ ज्ञान यहाँ पर अर्जित कर लीजिएगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है, मैं जानना चाहूँगा आपका परिचय। जी, सबसे पहले मेरा नाम, सबसे पहले मैं आप के चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आपने हमारे स्टॉल तक आने का काम किया। और मेरा नाम तारकेश्वर प्रसाद सुमन हुआ, ऐसे लोग मुझे टीपू सुमन के नाम से जानता है लोग, और मैं धरती केयर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का डायरेक्टर हूँ। मैं किसानों के हित में आज से ही नहीं, बहुत पहले से कुछ करने का चाह रखा। और इसको लेकर के मेरी एक कंपनी, स्टार्टअप कंपनी जो मुंबई से आई, MCL मीरा क्लीन बायोफ्यूल लिमिटेड, उसके तहत मैंने जुड़कर काम करने का प्रारंभ किया यहाँ बिहार के अंदर। और आज बिहार में जो परिस्थितियाँ पैदा हो चुकी है पहले से, उस पर हम प्रकाश डालने का काम कर रहे हैं। जैसे बेरोजगारी, यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उस बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है, वो मेरे सिस्टम के अंतर्गत है। जैसे ही मेरा सिस्टम यहाँ डेवलप करता है, जो भी किसान बंधु मेरे साथ आते हैं, उनका सबसे पहले तो हम उनके स्वास्थ्य, उनके शिक्षा और उनके कार्य रूप पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। वो कैसे कि जैसे हमारे सिस्टम के साथ सर जब आएंगे किसान बंधु, तो एक हमारा प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो उसके अंदर उनको प्रवेश कराया जाता है, जिसके माध्यम से जो हमारा किसान आगे एग्रीकेशन में बहुत कठिन समस्याओं का वो सामना कर रहा होता है। अभी हमारे पास जो पौधा रिसर्च में आया हुआ है सुपर नेपियर ग्रास, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं हाथी घास के नाम से। ये हाथी घास के विषय में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि हाथी घास एक्चुअल ये ऐसा चीज़ है कि आपके इर्द गिर्द में अगर इसका एग्रीकेशन होता है तो ये पोल्यूटेड एयर को ऑब्जर्व करता है और विथ इन ऑक्सीजन को रिलीज करता है, जिससे हमारे समाज में होने वाले बीमारी जो है खतरनाक, उससे हम वंचित हो सकते हैं। इसके साथ साथ इससे पैदा होने वाला हमारा यहाँ जो उत्पादन है वो बायो CNG गैस है और बायो PNG गैस है, और जो हमारा इससे वेस्ट बचेगा उससे बायो फर्टिलाइजर बनाया जाएगा, जिसको बायो मैन्यूअर बोलते हैं, जैविक खाद बोलते हैं, वो शुद्ध क्वालिटी का होगा। मेरा जो धरती को आज के डेट में देखा जा रहा है कि धरती पर जितना अत्याचार हो रहा है, उस चीज़ को बचाने के लिए, धरती माँ को बचाने के लिए खासकर मैंने इस कार्यक्रम को आगे लाया है। जैसे कि मेरे कंपनी का नाम भी आप धरती केयर के नाम से देखा, तो मैंने सोच हमारा ये है कि धरती माँ को कैसे बचाएं, हमारा जो जनरेशन है उसको हम कैसे बचाएं, इस पर हम लोग का कार्य चल रहा है। रोकना चाहूँगा एक मिनट के लिए। मैं अभी सामने बहुत सारे बोटल्स देख रहा हूँ, प्लास्टिक में कुछ पेय पदार्थ देख रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपकी कंपनी ये सब बनाती है? जी बिल्कुल, इस कंपनी का ही एक अंग है जो मैं यहाँ स्टार्टअप के रूप में इसके अंतर्गत इसको शुरू किया हूँ। सिर्फ यही नहीं है सर, इसके आगे मैं और बताता हूँ आपको। जैविक उत्पाद, किसी भी प्रकार का ग्रेन का उत्पादन आप जैविक करते हैं तो उसका हमारा कंपनी प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगी। जैसे गेहूं हो गया तो उससे ब्रेड बनाना, आटा बनाना, वो सब जैविक होगा। आलू हो गया, उसका चिप्स बनाना, उसका प्रोसेसिंग यूनिट हमारी कंपनी लगा कर देगी। उसमें आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, मेरे कंपनी का होता है। होता क्या है कि सिर्फ मेरा मार्केटिंग होता है, वो लेबलिंग होगा और मेरा मार्केटिंग होगा, ये मेरी जिम्मेवारी होती है, और किसानों की स्थिति उसके माध्यम से मजबूत होगी। ये चीज़ें हैं हमारे अंदर। और मुझे बताइए कि किसान चाहे कोई युवा चाहता है इस चीज़ में जुड़े आपके साथ, तो कैसे जुड़ सकता है और क्या उसका प्रोसेस है? जी, मेरे साथ अगर कोई भी किसान बंधु आना चाहता है पंचायत लेवल के माध्यम से या तहसील लेवल के माध्यम से, तो उसका एक कंपनी के माध्यम से एक फॉर्मेलिटी है जहाँ वो आपको करना, फुलफिल करना होगा। जैसे एक फॉर्मेट आएगा, वो फॉर्म भरेंगे, वो इंटरव्यू होगा उनका। इंटरव्यू जब निकालेंगे तो स्टार्टअप के रूप में हम उनको सिलेक्ट करते हैं। उसके लिए कंपनी को MVP के रूप में, विलेज प्रोजेक्ट के रूप में,
उनको 1.5 लाख रुपए का ज्वाइंट वेंचर फी जमा करना होता है मेरे कंपनी को, उसके बाद उनको अथॉरिटी दी जाती है कि वहाँ पर एक छोटा MBP यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाएगा, जहाँ सारे हमारे माल तैयार होंगे और उसकी मार्केटिंग हम करेंगे। अगर बड़े स्टार्टअप बनना चाहते हैं, जैसे तहसील लेवल पर, हमारे यहाँ तो बहुत छोटे छोटे पंचायतें हैं, इसलिए तहसील में ज़्यादा पंचायत होता है, दूसरे स्टेट में बड़े बड़े हैं, इसलिए एक को ही बना लिया जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ तहसील लेवल, हम अपने यहाँ जो बनाया गया है यहाँ बिहार के अंदर, वो 40 से 50 पंचायत को मिलाकर बनाया गया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपसे संपर्क कैसे करें, इस क्षेत्र में अगर कोई जानकारी लेना हो या इस चीज़ में जुड़ना चाहे तो आपसे संपर्क कैसे करें? जी, मेरा संपर्क सूत्र है, उस पर आप जाकर स्थापित कर सकते हैं हमसे संपर्क। वो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 8210681276। ये नंबर स्क्रीन पर भी चलेगा, आप इनसे जान सकते हैं और सारी चीज़ों को जानेंगे। जी जी जी। और ये पेय पदार्थ का मार्केटिंग आप करेंगे या? जी जी, मैं ही करूँगा इसका भी मार्केटिंग। सिर्फ इसको? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग आपको करना है, मार्केटिंग मुझे करना है। मार्केटिंग ये करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग आप करिएगा। और देश में बेरोजगारी का आलम कहाँ तक पहुँचा है और किसानों, मतलब किसानी से कैसे युवा भाग रहे हैं? बताऊँगा अभी आपको, जैसे कि मैंने बेरोजगारी के क्षेत्र में अभी आपसे जिक्र किया, पूरे भारत वर्ष के अंदर MCL का 5,500 फैक्ट्री लगने जा रहा है। एक फैक्ट्री के अंदर ये 3 से 4 साल के अंदर डेवलप हो जाएगा हर जगह। एक फैक्ट्री का कैपेसिटी 2,500 से 3,000 वर्कर काम करने का, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने भारत की बेरोजगारी हम लोग दूर करने का ठाना है और इस पर हम लोग कार्यरत हैं। और ये सिर्फ 2,500-3,000 ही नहीं, उसके साथ जो हमारे छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगे उसमें भी रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। ऐसे कर कम से कम एक तहसील के अंदर 10,000 लोगों को रोजगार देने का हम लोग ठाना है। इस तरह से हम अपने राज्य को सुरक्षित, अपने देश को सुरक्षित और अपने आप को सुरक्षित करने का काम करेंगे। वाह, बधाई के और साथ साथ धन्यवाद के काबिल है। और युवा साथी, आप लोग इधर उधर भटके नहीं, कम से कम मेला में आते हैं तो इस सब चीज़ों को देखिए, परखिए, समझिए, आपका भविष्य बनेगा। कहाँ घूम रहे हैं आप मेला में? मीना बाज़ार बाद में घूम लीजिएगा, झूला घूमा जाएगा फिर से, हो सकता है अगले साल आए ना आए। संपर्क सूत्र हमने दिया है, सीधा कॉल कीजिए, सोचिए समझिए कि आखिर में क्या है, ये चीज़ क्या बेच रहे हैं, आप कौन सा प्रोडक्ट अच्छा तरीके से कर सकते हैं, आपके तरफ किस प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा मांग है? कुछ युवा साथी, आप किसान हैं सर? जी सर। कहाँ के हैं? समस्तीपुर का। किसानी कब से कर रहे हैं? वही 2-4-5 साल पहले से। परेशानी आती है मन कभी कभी? बहुत सारा परेशानी आती है। अच्छा, कौन सा परेशानी? सबसे बड़ा परेशानी तो नीलगाय है, इसका कोई हल ही नहीं है, सरकार के पास भी हल ही नहीं है। नहीं, और भी परेशानी? और तो नहीं है, नीलगाय सबसे ज्यादा परेशानी करता है। कौन से गांव आपका कौन सा पड़ता है? पटोरी गुरगामा अनुमंडल पटोरी ही पड़ता है। मंत्री जी आए हैं आज, सवाल करिए उनसे कि भाई जा रहे हैं, देखेंगे अभी। तो यहाँ पर युवा एक किसान है, समस्याएं हैं, समस्या बहुत सारी है, हमने भी समस्या जब रखा तो एक माइक वाला ने जब पूछा तो शायद मंत्री जी हैंगा हैंगा भागत रहे। तो आप समझ सकते हैं कि अभी ये सवाल करेंगे तो इनका सवाल का जवाब कब मिलेगा, ये अपने आप पर है। बहरहाल, उस चीज़ से हटकर स्वरोजगार की तरफ आप कदम बढ़ाइए। किसी का बड़ा नौकर बनने से अच्छा है अपने आप में आप छोटा मालिक बनिए, यही मेरी शुरू से कोशिश रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कृषि विभाग में जब आइएगा तो सेकेंड नंबर गेट है और शोभा सम्राट का एक गेट है, ठीक उसी के सामने से प्रवेश कीजिएगा तो कॉर्नर पर आप इस साइड में आप देख सकते हैं। एक बार फोकस कर दीजिए ताकि इनको ठीक से समझ में आ जाएगा। MCL का यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ पर हमेशा वो महानुभव आपको मिलेंगे सारी चीज़ों को जानकारी देते हुए।